वाघमारा के विधायक डुल्लू महतो ने सोमवार को नाटकीय घटनाक्रम के बीच न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री संगीता की अदालत में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद हिरासत में लेकर अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से डुल्लू महतो की गिरफ्तारी के लिए धनबाद पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन डुल्लू महतो लगातार फरार चल रहे थे। विधायक डुल्लू महतो अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ बिहार मुजफ्फरपुर के व्यवसायी इरशाद आलम से रंगदारी मांगने और हाईवा छीन लेने के मामले में सरेंडर किया है। वहीं बीजेपी विधायक के वकील राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि विधायक ने कानून का सम्मान करते हुए आत्मसमर्पण किया है, उन्हें रंगदारी के झूठे मामले में फंसाया गया है। संगीता मैडम को कितने दिनों से फरार थे? फरार हो रहा क्या, जैसे पता चला वो उनको अपना काम कर रहे थे, सोशल वर्क कर रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे, लोगों का अपने विधानसभा का काम कर रहे थे, फरार होने का कोई मतलब नहीं, फरार का है। फिर भी उनपे दिनों से पुलिस खोज भी रही थी, अब पुलिस खोज रही थी तो कानून के शरण में थे, वो यहाँ से लेकर हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित थे, भागे नहीं होते। वो कानून का सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला वन ऑफ द बेस्ट विधायक भी बोल सकते हैं। अभी क्या क्या आरोप है उन पर जो सरेंडर किए जाते हैं? देखिए बहुत सारा राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण अभी उनके पर पहले 32-35 टो केस था, जिसमें आप लोग जान करके आश्चर्य करिएगा 32 केसेस में उनको न्यायालय ने उसको रिहा कर दिया, बरी कर दिया, निर्दोष पा करके रिहा कर दिया। एक दो केस है जिसको अपील में है, वो भी रिहा हो जाएंगे, ये हम लोग जानते हैं, समझते हैं कानून के हिसाब से। और अचानक जब सरकार बदली तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण नंबर ऑफ केसेस जो 4 साल 3 साल 2 साल या किसी किसी को इंगेज करके उन लोगों पर केस करवाया गया है, और प्रायः सभी केसेस में बेल भी होता जा रहा है, हो गया है, और जिसमें एंटीसिपेटरी हम लोग का रिजेक्टेड था तो उस पर हम लोग सरेंडर कर दिए। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड में डुल्लू महतो के खिलाफ लगभग 3 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिनमें से कुछ मामलों में विधायक बेल पर भी हैं। जेल के सलाखों के पीछे चले जाने के बाद अब पुलिस बाकी मामलों में डुल्लू महतो को रिमांड कर सकती है। धनबाद से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।